नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के सवाल पर कहा कि सभी दल एक साथ बैठक करके इस पर निर्णय लेंगे। राज्य के अंदर इसको लेकर जो करना होगा वो सबकी सहमति से करेंगे। हम अपनी तरफ से अभी कोई ऐलान करना उचित नहीं समझते हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव के बाद कोई भी बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेते देखे गए। पीएम मोदी ने 28वें एनएचआरसी स्थापना दिवस पर कहा कि दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी और अब जाकर उन्हें मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सोमवार को जनशक्ति यात्रा निकाली। यात्रा के तहत तेज प्रताप करीब 2.5 किलोमीटर नंगे पांव पैदल चले थे। इस दौरान एक कार्यकर्ता उनके पैर सड़क पर पड़ने से पहले पानी गिराता देखा गया। यह तस्वीर देखकर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पदयात्रा में पैर में छाले न पड़ जाए, इसीलिए सड़क पर पानी गिराया गया है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में इस साल के मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की। भारतीय नौसेना ने कहा कि 3 दिवसीय अभ्यास अगस्त में आयोजित पहले चरण के दौरान विकसित तालमेल, समन्वय और अथक क्रियाशीलता पर निर्माण करना चाहता है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पिता की पुण्यतिथि मनाकर दिल्ली से वापस पटना लौट आए हैं। इस मौके पर पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। वहीं इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने हमेशा से रामविलास पासवान का अपमान किया है। इसके अलावा उन्होंने कोटे से जो मंत्री बने हैं उन्होंने भी रामविलास जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि भारत 2030 तक 4,50,000 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए तैयार है। इस महीने की शुरुआत में एमएनआरई ने फिक्की के साथ मिलकर दुबई एक्सपो 2020 में जलवायु और जैव विविधता सप्ताह में 6 से 8 अक्टूबर के बीच कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया था। आखिरकार तेज प्रताप यादव को अपनी मां से मिलने की फुर्सत मिली गई और बीती रात लगभग 7 बजे के करीब वो अपनी मां राबड़ी देवी से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे, लेकिन उनका जाना पूरी तरह से एक मेहमान की तरह था क्योंकि सिर्फ 20 मिनट में ही वो बाहर निकल गए। इस दौरान उनसे मीडियाकर्मियों ने बात करने की कोशिश की लेकिन वो बिना बात किए ही आगे चलते बने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा ने बार बार कहा है कि और आज फिर मैं कह रहा हूं कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वो पूर्णतः दुखद है और इस पूरे विषय की निष्पक्ष जांच चल रही है। उन्होंने कहा दुखद है कि जिस प्रकार की राजनीति कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं और वोट की खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास कार्यक्रम शुरू की गई थी। इस श्रद्धांजलि सभा के लिए लगभग 30 एकड़ क्षेत्र का प्रयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में घटनास्थल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर इसे बनाया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा खीरी भी तकुनिया पहुंची थी। कोयले संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक की। यह बैठक आज आयोजित करवाई गई थी। इससे पहले कोयला संकट की खबरों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बिजली मंत्री आरके सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक की थी। माना जा रहा है कि घंटे भर चली बैठक के दौरान तीनों मंत्रियों ने बिजली संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता और इस समय बिजली की मांग पर चर्चा की है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार होने के बावजूद भी देश में बिजली संकट गहराने लगा है। माना जा रहा है कि देश के कई पावर प्लांट्स में लगभग 4 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है। कोयला संकट को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने कोयले पर आए संकट के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। केंद्रीय जल आयोग ने मंगलवार को केरल में एक नदी के लिए रेड अलर्ट और कर्नाटक तमिलनाडु में स्थित 5 अन्य नदियों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि बीते दिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश दर्ज की गई और यहां पर एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया था जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विद्युत मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने सरकारी बिजली कंपनी एनटीपीसी और डीवीसी को अपने अपने बिजली खरीद समझौते के तहत दिल्ली की विद्युत वितरण कंपनियों को बिजली की हर संभव आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने राज्यों द्वारा केंद्रीय उत्पादन स्टेशन की आवंटित बिजली के इस्तेमाल को लेकर 11 अक्टूबर 2021 को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ओडिशा के पश्चिमी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कोणार्क नृत्य महोत्सव और धौली कलिंग महोत्सव की तर्ज पर अगले साल फरवरी में हीराकुंड महोत्सव की योजना बनाई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि ओडिशा सरकार का पर्यटन विभाग राज्य की सबसे लंबी नदी महानदी के तट पर हीराकुंड जलाशय के किनारे हीराकुंड महोत्सव का आयोजन करेगा।
भारत के कई राज्यों में बिजली संकट उत्पन्न होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। हालांकि ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। जानकारों की माने तो देश में कोयले की संकट नहीं है बल्कि उत्पादन की संकट है। देश में कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बस कमी है तो उत्पादन की, जिसका समाधान भी जल्द ही निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। डीजीसीआई ने 2 से 18 साल तक के बच्चों को टीका लगाने की मंजूरी दे दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 28 दिन के अंतराल पर बच्चों को कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाएंगी। डीजीसीआई ने भारत बायोटेक कंपनी की कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी है। इसी कंपनी को कोवैक्सीन का निर्माण करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने दुनिया से बेहतर संबंधों की अपील की है। हालांकि उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को लेकर कुछ भी ठोस प्रतिबद्धता जताने से इनकार किया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान से यह कहा जा रहा है कि वो सभी बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत दे। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के करीब 2 महीने बाद अब तालिबान ने बाहरी मुल्कों से अपने संबंध बेहतर करने की कवायद शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले समूह पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर छापेमारी की। एजेंसी ने दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई लोकेशन पर छापे मारे हैं। एनआईए की टीम ने मंगलवार को तड़के करीब 18 लोकेशन पर छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल बद्र, हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित आतंकियों के खिलाफ एक नया एफआईआर भी दर्ज किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधिपति मिलने से अब इनकी संख्या बढ़कर 27 हो गई है। राष्ट्रपति ने 5 नए न्यायाधीश बनाने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने 5 और नए न्यायाधीश सरकार को भेजे हैं। इससे राजस्थान हाईकोर्ट को 5 नए जज मिल गए हैं। राष्ट्रपति की तरफ से 5 नए जज बनाने का आदेश जारी किया गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी से जोड़ने की आलोचना की है। साथ ही मंच का कह रहा है कि जिस तरह खेल में डोपिंग जांच के जरिए कड़ा कदम उठाया जाता है, उसी तरह बॉलीवुड में नशे से जुड़े लोगों पर कड़ी लगाम लगानी चाहिए। यूपी चुनाव के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज से अपनी विजय यात्रा की शुरुआत की है। कानपुर से समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा की शुरुआत की गई है। समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा यूपी के शहरी इलाकों के साथ साथ गांव में भी की गई है। आज विजय रथ यात्रा के पहले चरण में अखिलेश यादव कानपुर के साथ हमीरपुर तक लोगों का हालचाल लेते देखे गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्लीवासियों से शहर में प्रदूषण कम करने में मदद की अपील की है और कहा है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन डीजी वाहनों का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा है कि आसपास के राज्यों के किसानों के पराली जलाना शुरू करने के कारण दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों से वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। विमानन कंपनी एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंपने से पहले सरकार उसके ईंधन बिल और आपूर्तिकर्ताओं का करीब 16,000 करोड़ रुपए बकाया चुकाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सरकार यह राशि एक विशेष उद्देश्य इकाई में हस्तांतरित करेगी। विमानन कंपनी की भूमि और भवन जैसी गैर प्रमुख संपत्तियां संभालने वाले एयर इंडिया एस्टेट्स होल्डिंग लिमिटेड के खाते में विमानन कंपनी का 75% कर्ज भी आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर यानी बुधवार को गति शक्ति लॉन्च करेंगे। इसके तहत सरकार के 16 विभागों को मिलाकर के एक मास्टर प्लान बनाया गया है। इसके तहत ही आधारभूत संरचनाओं से संबंधित विभाग जैसे रेलवे, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन, सड़क परिवहन, पोत, आईटी, टेक्सटाइल जैसे सरकार के 16 मंत्रालय को शामिल किया गया है। इन मंत्रालयों के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस सबको गति शक्ति योजना में जोड़ दिया गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में चिकित्सा बीमा की सुविधा से वंचित 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी के लिए एक नया हेल्थ प्लान बनाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इस प्लान के लिए 21 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस पायलट प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA बीमा कंपनियों के बीच समझौता करने की योजना बना रही है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोयले की कमी और बिजली संकट को लेकर कहा है कि मुश्किल स्थिति है और अगर केंद्र ने मामला नहीं संभाला तो परेशानी खड़ी हो सकती है। जैन ने दिल्ली में ब्लैकआउट की आशंका से भी इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि ब्लैकआउट इस पर निर्भर है कि केंद्र सरकार बिजली देगी या नहीं। नवरात्रि के मौके पर आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन, ऑटो लोन, दूसरे लोन के ऊपर लगने वाले ब्याज दर को घटा दिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इस कदम के बाद से होम, ऑटो, दूसरे लोन सस्ते हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। बघेल ने सोमवार को कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर चल रही है और वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता बरकरार नहीं रख सकेंगे।
देश में कोरोना के 14,313 नए मामले मंगलवार को सामने आए हैं, जो 224 दिनों में सबसे कम मामले हैं। भारत में कोरोना का रिकवरी रेट 98.04% पर पहुंच गया है। मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 26,579 रही। पश्चिम बंगाल सचिवालय के 14वीं मंजिला पर मंगलवार को आग लग गई। इस फ्लोर पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का दफ्तर है। आसपास काम करने वालों ने इमारत की 14वीं मंजिल से कुछ धुआं उठते देखा, जिसके कुछ ही समय बाद अग्निशमन विभाग और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया था। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ओमकार सिंह, सॉन्ग मेकर, खानसर यूपीएससी, प्रिंस पारो, सत्ता कुमारी, राजेश कुमार, नन्नू कुमार, चौरसिया अनन्या, नरसिंह कुमार, आर्यन कुमार, शेर आलम, शकीला खातून, मोहम्मद ताहिर, कृष्णा दुबे, भगवान मिश्रा, विनती कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार 2 से 18 साल उम्र वाले को वैक्सीन देने के फैसले से कोरोना के रोकथाम में मदद मिलेगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।